वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अ मंथली प्रो एप्लीकेशन रिव्यू। तो ये 5 मिनट्स रिव्यू होता है जहाँ पे आपको मैं क्विकली कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। और अगर आप ऐसे ही प्रो लेवल का कोई भी काम करते हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप अपने लेवल को वर्क को स्पीडअप करना चाहते हैं तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। और आज मैं जिस सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाला हूँ वो है PDF एलिमेंट फ्रॉम द वंडरशेयर। और इस पे आने से पहले मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज दिखा रहा हूँ, और ये रहा आज का धमाकेदार चीज। है तो CPU, बट CPU में बड़ी काम की चीजें हैं। फिलहाल इस CPU में खास बात क्या है ना कि ये मेरा फर्स्ट CPU है। ये मैं 97 में जब मैंने कंप्यूटर लिया था तब से चला रहा था, अभी भी ये चलता है, जस्ट चलाया नहीं। तो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। लेकिन आज की वीडियो से जुड़ा हुआ कैसे, वो ऐसे इंटेल पेंटियम जो बहुत से लोग पैदा भी नहीं होंगे। विंडोज 95 इंस्टॉल है और एक और कमाल का सॉफ्टवेयर था यहाँ पे, एडोब रीडर 3.0 है जो फर्स्ट टाइम एडोब ने विंडोज के लिए रिलीज किया था, वो यहाँ पे इंस्टॉल है। आई गेस 97 से 2022 ऑलमोस्ट 24-25 साल बाद मैंने फाइनली एडोब रीडर स्टॉप यूज करना स्टॉप कर दिया। तो मैं आपको क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ गाइस जो मैं सॉफ्टवेयर को यूज करके मैंने फील किया, और आई थिंक आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ये कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है एडोब वर्सेस PDF एलिमेंट। एडोब सभी जानते हैं लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर PDF की और क्लाउड की बारी आती है। लेकिन अब सारे फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स नियरली सारे फीचर्स कह सकते हैं, सारे फीचर्स कम प्राइस में मिल जाए और बेटर तरीके से सिंपल तरीके से मिल जाए ना तो वो बढ़िया बात हो जाती है। सो ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको क्विकली दिखा दूं कि ये दिखने में कैसा, देख सकते हैं एकदम सिंपल इंटरफेस है। दिखने में ऐसा लगेगा ना कि आपने जैसे किसी एमएस वर्ड की फाइल को ओपन किया, एकदम सिंपली ऑर्गेनाइज मेन्यू, ओपन फाइल्स, कंपेयर, कंबाइन, कंप्रेस, OCR, कन्वर्ट, क्रिएट, व्हाटएवर जो भी आप सोच सकते हैं PDF करने के लिए वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं आपको यूज करता हूँ ना मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। सबसे पहली फीचर्स जो आप इसमें यूज कर सकते हैं वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इमेज ली सी या उसको आपको PDF में बनाना है तो ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं लाइक ऑफिस स्कैन से या एडोब के सॉफ्टवेयर से यूज करके। लेकिन अगर आपको उस टेक्स्ट को एडिट करना हो, जैसे आपने स्कैन किया आपको एडिट करके देन PDF बनाना हो, तो ऑफ कोर्स आप वो चीज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये फीचर आपको एडोब में या कहीं और नहीं मिलेगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सेकेंड बेस्ट फीचर मुझे लगती है वो है इसकी PDF टेम्पलेट्स। तो मैंने आज बहुत दिन बाद आई गेस जब मैं जॉब सर्च करता था ना 2008 में, तब मैंने अपने रिज्यूम बनाया था, और 14 साल बाद मैंने फिर से रिज्यूम बनाया। रिज्यूम मैंने कुछ खास लिखा नहीं, जस्ट मैं ट्राई कर रहा था लाइक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, प्रोफेशनल वेब कंटेंट क्रिएटर। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है जिनका यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिज्यूमे बना सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं IT सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में अगर आपको इंटरव्यू देना है तो आपको एक किलर रिज्यूम चाहिए होता है, तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपको इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे खासे फॉर्मेट में यहाँ पे आप अपनी रिज्यूमे बना सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर मुझे बहुत यूज करनी पड़ती है PDF स्प्लिट करना। लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैंक स्टेटमेंट निकाला उसमें बहुत सारे PDF पेजेस होते हैं, आप उसको स्प्लिट करके अलग अलग पेज वाइज सेव करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कन्वर्ट करने का फीचर है, आप चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड को PDF में या वर्ड मैप, पावर पॉइंट, एक्सेल, तमाम तरीके जो भी फाइल फॉर्मेट होती है सबको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो गाइस बहुत सारे फीचर्स दिखाने को हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैं यूज करता हूँ मैंने आपको दिखा दी डेमो के लिए। मेरे पास ऑलरेडी एडोब का लाइसेंस है। एडोब में क्या होता है आप जानते हैं कि आप उसका कंप्लीट लाइसेंस बाय नहीं कर सकते, आपको एनुअली या मंथली पे करना पड़ता है, 1200 रुपये महीने की आती है, करेक्ट। और अगर हम सेम में इस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर देखें ये $10 का है, तकरीबन आपको 780 रुपये का पड़ा, तो यानी कि आपने 400 रुपये लगभग यहीं पे बचा दिए। बाकी आप चाहें तो इसका लाइसेंस भी बाय कर सकते हैं, लाइफ टाइम इसको चला सकते हैं, आपको मंथली पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे कम प्राइस में क्या नियरली हाफ प्राइस में मिल जाते हैं, और ये सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड, iOS, मैक, विंडोज, जहां भी आप चाहते हैं सभी जगह सेम कॉन्सेप्ट के सारे डेटा सिंक हो जाते हैं। तो फिलहाल तो गाइस ये था आज का प्रो सॉफ्टवेयर रिव्यू, एंड स्टे ट्यून अपने इस प्यारे प्यारे कंप्यूटर को तो मैं जरूर एक दिन चालू करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई थॉट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं इस सॉफ्टवेयर से लेके डेफिनेटली मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।